सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती, जिसमें कि हम जो 1564 पदों पे जो है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती उत्तराखंड में वर्तमान में गतिमान है, उसके ऊपर हम यहाँ पे जो है जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले देखिए, जो 1564 पदों पे नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती हुई थी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस लगभग जो है कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। 28 जून तक जो है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हुए, जिनका कि आयोग ने यहाँ पे रोल नंबर के अनुसार लिस्ट जारी किया था। और 28 जून के बाद भी जो है यहाँ पे 2 दिन जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए गए, वो ऐसे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाइड किए गए जिन्होंने कि जो है फॉर्म में जो है जो उनका पासिंग ईयर था वो गलत भर दिया था। जैसे कि मेरा पासिंग ईयर 2009 का है और मैंने गलती से जो है वहाँ पे जो है 2015 भर दिया, तो क्योंकि अब 2009 वाले का मेरे बैच के अनुसार मैं 2009 का हूँ और मेरा नाम जो है वहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मैंने फॉर्म में 2015 डाल दिया तो इस वजह से मेरा नाम वहाँ पे नहीं आया था। तो उन कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेटों को आयोग ने मौका दिया था जिन्होंने इस तरीके से फॉर्म गलत भर दिया था, और उनको बोला था कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लो, जो आपके पास में साक्ष्य हैं प्रूफ हैं उसके अनुसार अगर आपका जो है वहाँ पे जो वो एकदम जो है सही पाया जाता है तो आपको भी यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा मेरिट के अनुसार। तो अब जो बड़ी अपडेट ये है कि ये सभी जो जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुआ, इन सभी के लिए एक जो बड़ी अपडेट ये है कि 16 अगस्त जो अनुमानित डेट है, 16 अगस्त जो है अनुमानित डेट है जो हमारे पास फाइनल मेरिट आने वाली है। यानी फाइनल मेरिट आने की मतलब क्या हो जाएगा कि अब जिनके कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं, अब उसके अनुसार एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया होगा कि इस कैंडिडेट का पासिंग ईयर जो है 2010 में रहा है, ये कैटेगरी जनरल है, इसका जो है कितने मार्क्स आए हैं, इसके टोटल मार्क्स इतने बने हैं, कैटेगरी इसकी ये है, सब कैटेगरी इसकी है, उत्तराखंड डोमिसाइल इसका ये है, तो ये पूरा डिटेल्स वहाँ पे आएगा। तो ये फाइनल मेरिट हमारे पास 16 अगस्त, अभी हमारे पास जो अनुमानित डेट है, जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है 16 से 17 अगस्त के बीच में जो है हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो गाइज, जैसे ही ये फाइनल मेरिट लिस्ट हमारे पास आएगी, ज्वाइनिंग लेटर भी जो ज्वाइनिंग होगी आपकी, उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पे आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे ज्वाइनिंग को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने कि यहाँ पे जिनके की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं। केवल ये एक अनुमानित डेट है, ऐसा नहीं है कि केवल 16-17 अगस्त को ही जो है ये आपका ये फाइनल लिस्ट आ जाए, उससे पहले भी ये फाइनल लिस्ट आ सकती है और उसके बाद भी ये फाइनल लिस्ट आ सकती है, लेकिन जो है मेरे अनुसार जो अनुमानित डेट है, जो लेटेस्ट न्यूज के अनुसार, जो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो हमारे पास अनुमानित डेट है वो 16 से 17 अगस्त की हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा था कि जो है जल्द ही जो है जो स्वास्थ्य विभाग में जो 1564 नर्सिंग ऑफिसर पदों पे जो भर्ती चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं, इनके भी जो है अगस्त के महीने में जो है इनकी जो है जल्दी से जल्दी कोशिश यही है कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग नियुक्ति इनकी की जाए, इनको नियुक्ति जो है पत्र दिया जाए, और ताकि जो स्वास्थ्य विभाग में जो कमी है, नर्सिंग ऑफिसर की जो कमी है या जो स्वास्थ्य कर्मचारी की कमी है, उसमें जो है जो उस कमी को यहाँ पे दूर किया जाए। तो ये जो है बड़ी खुशखबरी है सभी कैंडिडेट के लिए। फिलहाल फाइनल जो है नोटिस हमारे पास नहीं आया है, केवल अनुमानित डेट है। तो गाइज, आशा यही करते हैं कि अगस्त के महीने में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट हमें देखने को मिल जाए और जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति मिल जाए, जिससे कि जो है आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो सके।